हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का वीडियो दोस्तों लेके आया हूँ रेलवे स्टेशन का, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी बहुत दिखाएंगे। ये दोस्तों हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है, जो कितना सुंदर लग रहा है वीडियो के जरिए आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, जो कि मुझसे कुछ बात कर रहा है, बता रहा है कि अच्छा है नहीं है, कैसा लग रहा है तेरे को। मैंने भी ये रेलवे स्टेशन पहली बार देखा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं रानीखेत का रहने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्त ने मेरे को ये रेलवे स्टेशन दिखाया हल्द्वानी का, जो कि मैं अभी आपको ब्लॉग के जरिए दिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप जैसे कि आप दिल्ली जा सकते हैं, यहाँ से देहरादून जा सकते हैं, और ट्रेन भी मिलती है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि और जगहों की। बाकी यहाँ से काठगोदाम से हल्द्वानी भी आ सकते हैं, और हल्द्वानी से कहीं जैसे दिल्ली देहरादून का आपने सफ़र करना हो वहाँ भी जा सकते हैं। ये दोस्तों सामने ट्रेन का इंजन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रेन का इंजन है दोस्तों, जो अभी जुड़ा हुआ नहीं है। अभी थोड़ी देर ट्रेन आएगी तो उसके साथ ये जुड़ जाएगा। यह दोस्त बोल रहा है कि यहाँ पर कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, मज़ा आ रहा है बोल रहा है। तो मैंने कहा हाँ भाई, से कह रहा हूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है खुली जगह में है दोस्तों, यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं, लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं। और ये ट्रेन का इंजन जो सामने आप देख रहे हैं, अभी जुड़ा हुआ नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद ट्रेन आएगी तो ट्रेन इसके साथ में जुड़ जाएगी, फिर ये पूरी ट्रेन बन जाएगी दोस्तों। फिर आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हैं इस ट्रेन के जरिए। और ये ट्रेन का ऑफिस है दोस्तों सामने, देखो ट्रेन का इंजन कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितना छोटा है, अभी इसमें ट्रेन जुड़ी हुई नहीं है। अभी इस पटरी पर कोई भी ट्रेन नहीं आई है दोस्तों, जब से हम गए हुए हैं हमने कोई भी ट्रेन नहीं देखी, बस ट्रेन का इंजन ही देख रहे हैं। उस समय से ट्रेन तो देखी नहीं है, ट्रेन देखने के इंतज़ार में है। और मेरा दोस्त टिकट बुक कराने के लिए आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि उसने 2-4 दिन बाद दिल्ली जाना है, तो इसलिए हम आए हुए थे यहाँ पर। काफ़ी समय बाद हल्द्वानी आ रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए आज हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन भी देख लिया। आप लोग भी देख लीजिए, आप लोगों को ये रेलवे स्टेशन कैसा लगा। आप यहाँ से कहीं तक का भी सफ़र कर सकते हैं, जैसे दिल्ली देहरादून जा सकते हैं, तो आप आइए और ट्रेन में यात्रा करने का आनंद लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें मोटिवेशन और हम अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, रिंकू अधिकारी ब्लॉग्स।